हेलो एवरीवन, यदि आप भी फिश खाने के शौकीन हैं तो आज की यह रेसिपी आपको बहुत ही अधिक पसंद आने वाली है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश फिंगर। लोग स्टार्टर के रूप में इसे खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है बोनलेस फिश। यह वजन से लगभग 400 ग्राम है। तो फिश फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस फिश को फिंगर के आकार में काटनी है, मतलब इसे हम इस तरह से एक चॉपिंग बोर्ड पर लेकर इसे इस तरह से लंबे शेप में काटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस साइज़ में हमें इसे रखना है। ना तो यह बहुत अधिक मोटी है और ना ही पतली, बिल्कुल यह परफेक्ट साइज़ है। तो इसी साइज़ में हम सारे फिशेस को काट लेंगे। और यहाँ मैंने सारे फिश को काट कर तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसके मैरिनेशन की। तो चलिए फिर हम इसे फटाफट से मैरिनेट कर लेते हैं। इसके मैरिनेशन के लिए आप यहाँ सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल लें। मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें डाला है, साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर भी डाल रही हूँ। अब डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, यह केवल बढ़िया कलर लाने का काम करेगी, तीखी या बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून और अंत में 1 चम्मच नींबू का रस। और फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद लगभग आधे घंटे तक हम इसे इसी तरह ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब फिश फिंगर को बढ़िया क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ 1 बाउल में 2 अंडे ले रही हूँ। दोनों को हमें अच्छे से चम्मच से फेंट लेना है और साथ ही मैंने यहाँ लिया है मैदा और ब्रेड क्रम्स। अब मैदे में नमक और ब्लैक पेपर पाउडर की थोड़ी मात्रा हम मिलाएंगे और उसे अच्छी तरह मैदे में मिला देंगे। अब एक मैरिनेटेड फिश फिंगर हम हाथों में लेंगे और उसे इस तरह से मैदे की एक कोटिंग उसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हमने जो अंडे फेंट कर रखे हैं उसमें हम उसे डालेंगे। उसमें भी हम उसे अच्छी तरह लपेटने के बाद हम उसे ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। ब्रेड क्रम्स में लपेटते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसमें बहुत ही अधिक दबाव नहीं डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ एक तैयार हो चुकी है तलने के लिए। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम बाकी के मैरिनेटेड फिश फिंगर को भी तैयार कर लेते हैं। कहीं कहीं फिश फिंगर में येलो मस्टर्ड सॉस भी डाला जाता है। यदि आपको भी उसका टेस्ट पसंद हो तो आप मैरिनेशन के वक्त उसे डाल सकते हैं। मैं सारे मैरिनेटेड फिश पर अच्छे से कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स, एग और मैदे से। तो चलिए अब हम इसे लगभग आधे घंटे तक इसी तरह सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब फिश फिंगर को तलने के लिए एक मोटे तले की कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है। तेल हमें मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है, हाई पे बिल्कुल ना करें, वरना ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे और अंदर हमारी फिश अच्छी तरह से पकेगी नहीं। फिर एक एक कर सावधानी से हम फिश फिंगर को इसमें डालेंगे इस तरह से। एक बार में आप ज़्यादा ना डालें वरना ये पलटते वक्त टूट भी सकती है। तो कुल 4 या 5 आप एक एक कर इस तरह से डाल लें। उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर आप इसे तल लें। थोड़ी देर में इसे इस तरह से पलट लें और आप देखेंगे कि इसका कलर खुद ब खुद चेंज होने लगा है। और जब यह गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए इस तरह से, तभी आप इसे निकाल लें। देखिए यहाँ हमारी फिश फिंगर कितनी लाजवाब लग रही है। यह बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकी है और अंदर से भी यह बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो इसे निकाल लेते हैं। इसकी रंगत देखिए, यह दिखने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है तो खाने में तो यह और अधिक स्वादिष्ट होगी। तो इसी तरह हम बाकी के बचे हुए फिश फिंगर को भी एक एक कर कढ़ाई में डालेंगे और तलकर उसे अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर तलकर निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे फिश फिंगर को तलकर इस तरह से निकाल लिया है। देखिए इतनी फिश फिंगर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे प्लेट आउट करते हैं। जनरली इसे मेयोनीज़ के साथ खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, मगर मैंने मेयोनीज़ के साथ यहाँ टोमेटो केचप भी लिया है। देखिए यह कितनी बढ़िया बनी है, बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से मॉइस्ट। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपकी फिश फिंगर कैसी बनी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सीमा राज के नाम से मिलूंगी। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।